देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। भारत की राजनीति बदल चुकी है। भारत के भीतर कमंडल मंडल की राजनीति का भी अंत हो गया। भारत में बाहुबलियों को लेकर जाति के रास्ते सत्ता में आने की फितरत अब गायब हो चुकी है और भारत के चुनावी राजनीति के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा जनादेश इससे पहले कभी आया हो। यह एक ऐसा जनादेश है जिसने भारतीय राजनीति को कई पाठ पढ़ा दिए। यूपी चुनाव नतीजे अब साफ हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करा चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अव्यवस्था, आवारा पशुओं का मुद्दा, हाथरस रेप मामले के बाद हुआ घटनाक्रम जैसे दर्जनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी समेत बसपा और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जमीन तैयार की थी, लेकिन यूपी चुनाव नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि लोगों के पास योगी सरकार को बदलने की कोई खास वजह नहीं थी। इन मुद्दों के चलते भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच हुई इस सीधी सियासी रेस में मोदी योगी की जोड़ी फिनिश लाइन से कहीं आगे खड़ी नजर आई। दोस्तों, जो भी हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सियासी पारा अभी उतरा नहीं है। अब देखना यह है कि आगे की पारी कैसे खेलेंगे और किस तरह से खेलेंगे। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें और हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।